What is up guys, this is Dipanshu back again with a new video. So guys, finally इस वीक की ग्राफिक कार्ड की वीडियो आ गई है। हम इस वीडियो में कंपेयर करेंगे कि यार लास्ट वीक से ग्राफिक कार्ड के प्राइसेस कितने कम हुए हैं। लास्ट वीक को वीडियो मैंने फ्राइडे को बनाई थी और आज संडे को ये वीडियो आ रही है, तो ऑलमोस्ट 7 to 8 days हो चुके हैं। एंड यार ग्राफिक कार्ड के प्राइसेस यार सीरियसली कुछ ग्राफिक कार्ड के प्राइसेस यार बहुत ज़्यादा गिरे और कुछ के ग्राफिक कार्ड के प्राइसेस बिल्कुल भी नहीं गिरे हैं। तो यार इस वीडियो में मैं आपको सारे ग्राफिक कार्ड के प्राइसेस बताने वाला हूँ। RTX, GTX, GT, RX सीरीज मतलब AMD, NVIDIA सारे ग्राफिक कार्ड के मतलब यार सारे ग्राफिक कार्ड के प्राइसेस मैं इसी वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो यार वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो यार मैं नीचे टाइम स्टैम्प्स आपको दे दूंगा, आप इजीली वहां से देख सकते हो कि आपको RX सीरीज चाहिए या फिर आपको GTX सीरीज चाहिए, RTX सीरीज चाहिए। तो नीचे मैं आपको टाइम लैप्स दे दूंगा जहां से आप इजीली इस वीडियो को देख सको। तो गाइस चेक करते हैं कि कितने प्राइसेस कम हुए हैं कंपैरेटिवली टू लास्ट वीक। तो ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है। मेरा नाम है दीपांशु और आप देख रहे हो टेक बीस। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये रहे वो सारे ग्राफिक कार्ड के प्राइस हैं, ये सारे ग्राफिक कार्ड के प्राइस इसी में कवर है। सबसे पहले यार हम स्टार्ट करते हैं एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड से। तो हमारा सबसे पहला जो लो रेंज का ग्राफिक कार्ड है यार वो है GT710। गाइस इसका मार्केट में अभी प्राइस चल रहा है लगभग 3200 रुपीज। यार ये 2GB का ग्राफिक कार्ड है, यार इसका जो एक्चुअली यार नॉर्मल प्राइस था वो था यार सिर्फ 2600 रुपीज, तो करीब 600 रुपये अभी भी महंगा है। नेक्स्ट जो है हमारा ग्राफिक कार्ड यार वो है GT1030। यार इसका भी मार्केट में प्राइस चल रहा है लगभग 7000 रुपीज, थोड़ा महंगा है, लेकिन यार ये एक 2GB का ग्राफिक कार्ड है यार एंड इसका भी मार्केट में प्राइस है लगभग 7000 रुपीज और इसका एक्चुअल जो प्राइस है वो है 5800 रुपीज, तो करीब 1200 रुपये के आसपास ये महंगा है। नेक्स्ट जो है हमारा कार्ड यार वो है GTX 1050 Ti। यार इसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, काफ़ी लोगों के मेरे पास मैसेजेस आते हैं तो वो यार उनका यही मैसेज होता है कि यार हमें 1050 Ti का PC बिल्ड करवाना है। तर इसका भी मार्केट में प्राइस है लगभग 16500 रुपये। अगर आप PC बिल्ड करवाओगे तो आपको 15500 या फिर 16000 रुपये के आसपास मिलेगा, लेकिन अगर आप सिंगल सिर्फ एक कार्ड परचेस करते हो तो आपको 16500 रुपीज़ का मिलेगा। ये एक 4GB का ग्राफिक कार्ड है, इसका नॉर्मल जो एक्चुअल प्राइस था वो था सिर्फ 10000 रुपये, तो करीब 6000 रुपये से भी ज़्यादा महंगा है ये अभी। तो गाइस अब हम बात करते हैं यार हमारी मीडियम बजट के गेमिंग ग्राफिक कार्ड के बारे में। तो हमारा पहला ग्राफिक कार्ड है GTX 1650। यार इसका जो एक्चुअल प्राइस था वो था सिर्फ 12000 रुपये एंड अभी लगभग इसका ग्राफिक कार्ड का प्राइस है लगभग 20500 रुपये, तो करीब 8000 रुपये के आसपास अभी भी है महंगा है। PC बिल्ड कराओगे यार ये सभी पे एप्लीकेबल है, अगर आप PC बिल्ड कराओगे तो 1000-1500 रुपये के आसपास आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, अगर आप सिंगल एक कार्ड लोगे तो ये प्राइसेस रहने वाले हैं। नेक्स्ट जो है हमारा ग्राफिक कार्ड यार वो है GTX 1650 Super एंड यार ये भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहता है कार्ड, बहुत ही अच्छा ग्राफिक कार्ड है यार। इसका जो नॉर्मल प्राइस था पहले मैं वो बता देता हूँ, वो था सिर्फ 14500 रुपये या फिर 15000 रुपये के आसपास। तो यार इसका भी मार्केट में प्राइस चल रहा है लगभग 28500 रुपये। ये एक 4GB का ग्राफिक कार्ड है, काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहने वाला ये ग्राफिक कार्ड है। नेक्स्ट जो है हमारा कार्ड यार वो है GTX 1660 Super एंड गाइस लेट मी टेल यू, इस ग्राफिक कार्ड का प्राइस यार बहुत ही कम हो गया है। लास्ट 2 वीक्स से यार इस ग्राफिक कार्ड के प्राइस बहुत ज़्यादा गिरे हुए हैं। लास्ट वीक तक इसी ग्राफिक कार्ड के प्राइस यार 48000 या फिर 50000 थे एंड अभी इस ग्राफिक कार्ड के प्राइस लगभग 45000 रुपीज़ हो चुके हैं एंड इसका जो एक्चुअल प्राइस था वो था सिर्फ 21000 रुपये। 6GB वाला एक ग्राफिक कार्ड है यार। नेक्स्ट जो है हमारा ग्राफिक कार्ड है यार वो है RTX 2060 एंड गाइस इस ग्राफिक कार्ड के भी प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं, इसका भी मार्केट में प्राइस चल रहा है लगभग 47000 रुपीज़ और ये एक 6GB का ग्राफिक कार्ड है एंड इसका जो मार्केट प्राइस था जो नॉर्मल प्राइस था वो था सिर्फ 30000 रुपये, तो लगभग 17000 रुपये के आसपास अभी भी ये महंगा है। धीरे धीरे कम होगा, वो सब हमारे ऊपर डिपेंड है। अगर आपने मेरी कल वाली वीडियो नहीं देखी तो यार आई बटन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एवरी PC लवर और एवरी गेमिंग लवर को यार वो वीडियो ज़रूर देखनी है और उनसे उनको आइडिया हो जाएगा कि यार प्राइजेस कब तक कम होने वाले हैं। नेक्स्ट जो हमारे ग्राफिक कार्ड है सारे यार हाई बजट वाले ग्राफिक कार्ड है, मतलब हाई लेवल की गेमिंग वाले कार्ड्स हैं। फर्स्ट हमारा कार्ड है यार RTX 3060। यार इसमें दो आने लग गए हैं, आप सबको पता होगा LHR और non-LHR। तो यार जिनको नहीं पता मैं LHR के बारे में उन्हें बता देता हूँ। LHR वो कार्ड होते हैं जो लो हैश रेट वाले होते हैं, जो माइनिंग के लिए यूज़ नहीं होते, आप इसमें गेमिंग कर सकते हो उसी लेवल की जो एक non-LHR वाले कार्ड में करते हो। ये LHR वाले कार्ड यार थोड़े सस्ते होते हैं non-LHR वाले कार्ड से। तो हमारा पहला कार्ड यार वो है RTX 3060। यार इसका नॉर्मल प्राइस था वो था सिर्फ 32000 रुपीज़ एंड गाइस इसका भी मार्केट में प्राइस चल रहा है लगभग 63000 रुपीज़ LHR वाले ग्राफिक कार्ड के एंड 72000 non-LHR वाले ग्राफिक कार्ड के। तो यार नेक्स्ट जो हमारा कार्ड यार वो है RTX 3060 Ti। यार ये काफ़ी ज़्यादा डिमांड में कार्ड है, 38000 रुपीज़ इसका नॉर्मल प्राइस था एंड अभी इसका लगभग प्राइस चल रहा है 1,04,000 रुपीज़। ये 12GB का ग्राफिक कार्ड है, तो ऑलमोस्ट 70000 या 65000 रुपीज़ के आसपास ये अभी भी महंगा है। नेक्स्ट जो यार हमारा कार्ड यार वो है RTX 3070। इसका भी मार्केट में प्राइस चल रहा है लगभग 85000 रुपीज़ LHR वाला
और 1,20,000 रुपए नॉन LHR वाला। तो यार थोड़ा अच्छा खासा डिफरेंस है। जिनको सिर्फ गेमिंग के लिए चाहिए यार वो LHR वाला डेफिनेटली प्रेफर करें, और जिसको माइनिंग वगैरह के लिए चाहिए तो यार वो नॉन LHR वाला ऑब्वियसली बात है वो नॉन LHR ही लेगा। इसका जो नॉर्मल एक्चुअल प्राइस था वो था सिर्फ 51,000 रुपीस, एंड ये एक 8GB का ग्राफिक कार्ड है। तो जिसको 3070 लेना है यार वो इनके लिए ग्राफिक कार्ड परफेक्ट है। नेक्स्ट जो यार हमारा ग्राफिक कार्ड यार वो है RTX 3070 Ti। ये वाला कार्ड मैंने इसी वीडियो में ऐड किया क्योंकि लास्ट दो वीडियोस में यार बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि RTX 3070 Ti के क्या प्राइस चल रहे हैं। तो यार अभी RTX 3070 Ti के जो LHR वाला वर्जन है उसका प्राइस है 94,000 रुपीस। अगर आप PC बिल्ड कराओगे तो 92,500 या फिर 93,000 का आपको मिल जाएगा। ये एक 8GB वाला ग्राफिक कार्ड है, इसका मार्केट प्राइस है सिर्फ 55,000 रुपीस। तो यार अगर हम चेक करें सारे ग्राफिक कार्ड का कंपैरिजन कि कितने से कितना प्राइस बढ़ा है, तो इसका सबसे मतलब अभी काफी कम प्राइस में अभी आपको मिल रहा है 94,000 और 55,000 रुपीस का कार्ड है ये। नेक्स्ट यार हमारा कार्ड यार वो है RTX 3080। यार इसका भी मार्केट में प्राइस चल रहा है लगभग 1,64,000 रुपीस। ये एक नॉन LHR वाला कार्ड है, और किसी को अगर ये LHR वाले वर्जन में चाहिए तो वो मिलेगा आपको 1,20,000 रुपीस। इसका जो नॉर्मल प्राइस था वो था 65,000 रुपीस, तो करीब 50,000 के आसपास अभी भी ये महंगा है। नेक्स्ट जो यार हमारा कार्ड है यार वो है RTX 3080 Ti। ये भी मतलब जो Ti वाले वर्जन है सीरियसली यार उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। इसका भी मार्केट में प्राइस है लगभग 1,50,000 रुपीस, और ये 12GB वाला ग्राफिक कार्ड है, नॉन LHR ये कार्ड है। इसका भी मार्केट में प्राइस है 1,50,000, और इसका जो नॉर्मल प्राइस था वो था सिर्फ 70,000 रुपीस, तो करीब 50,000 से भी ज़्यादा अभी ये महंगा है। तो गाइस हमारा जो सबसे लास्ट ग्राफिक कार्ड है RTX सीरीज का, और जो सबसे एक्सट्रीम सबसे हैवी ग्राफिक कार्ड है यार गेमिंग के लिए, वो है RTX 3090। इसका भी मार्केट में प्राइस चल रहा है लगभग 2,33,000 रुपीस। 24GB वाला एक ग्राफिक कार्ड है यार गाइस, 24GB, एंड इसका मार्केट में प्राइस था जब नॉर्मल थी मार्केट वो था 1,32,000 रुपीस, एंड यार अभी ये 2,33,000 के आसपास मिल रहा है। पीसी बिल्ड कराओगे तो यार 2,20,000 रुपए के आसपास भी आप आराम से इसे ले सकते हो। अगर आप पीसी बिल्ड कराओगे तो आपको काफी सस्ता मिलेगा ये। तो गाइस ये थे वो सारे एनवीडिया के GT RTX GTX सीरीज के सारे वो कार्ड जो भी मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड में है। इसके अलावा यार अगर आपको कोई भी कार्ड चाहिए मुझे कमेंट में नीचे पूछ लेना, मैं आपका रिप्लाई जरूर कर दूंगा। तो गाइस अब हम बात करते हैं यार हमारी RX सीरीज के ग्राफिक कार्ड के बारे में, जो AMD के RX सीरीज के ग्राफिक कार्ड होते हैं। तो यार हमारा पहला RX सीरीज का कार्ड है यार वो है RX 550। यार एक 4GB का रैम वाला ग्राफिक कार्ड है। इसका भी मार्केट में प्राइस चल रहा है लगभग 14,000 रुपए। आपको ये ऑनलाइन भी मिल जाएगा, ऑनलाइन आपको 14,500 या फिर 15,000 का मिलेगा। अगर आप किसी शॉप से लोगे तो आपको 14,000 रुपए के आसपास मिल जाएगा। इसका जो नॉर्मल प्राइस था यार वो था सिर्फ 5,500 रुपीस। नेक्स्ट जो है हमारा ग्राफिक कार्ड यार वो है RX 570। इसमें यार दो वेरियंट आते हैं 4GB और 8GB। 4GB वाला का अभी प्राइस चल रहा है लगभग 23,500 रुपीस, एंड यार इसका जो एक्चुअल प्राइस था वो था 10,000 रुपए, तो करीब 13,000 रुपए के आसपास अभी महंगा है ये कार्ड। नेक्स्ट इसी में जो हमारा सेकंड वेरिएंट है 8GB वाला, उसका भी मार्केट में प्राइस चल रहा है लगभग 50,000 रुपीस, एंड इसका यार प्राइस था जो नॉर्मल प्राइस था वो था सिर्फ 14,000 रुपए। तो आपको अंदाजा हो रहा होगा साइड में डिफरेंस में कि यार कितना डिफरेंस है यार, मतलब ये सबसे ज़्यादा महंगा कार्ड है, मतलब मीडियम बजट का कार्ड है और इतना महंगा कार्ड अभी भी ये मिल रहा है क्योंकि इसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है। मतलब लोग RX सीरीज का 570 8GB वाला वेरिएंट इतना ज़्यादा डिमांड में, अगर आप OLX या फिर क्विकर पे चेक करोगे तो यार लोग इसे अभी भी 50,000 में बिक रहे हैं OLX पे। तो यार नया ही नहीं ले लेंगे हम लोग 50,000 रुपए में एक शॉप से। नेक्स्ट जो यार हमारा इसमें कार्ड है यार वो है RX 580। ये एक 8GB का यार ग्राफिक कार्ड है। इसका भी मार्केट में प्राइस चल रहा है लगभग 56,000 रुपीस। लास्ट वीक से यार 2,000 रुपए सस्ता हुआ है। इसका जो नॉर्मल प्राइस है यार वो है सिर्फ 17,000 रुपए। तो यार ऑलमोस्ट अभी भी 36 से लेकर 37,000 रुपीस अभी भी ज्यादा है इस ग्राफिक कार्ड के प्राइस में। नेक्स्ट जो यार हमारे ग्राफिक कार्ड है यार ये भी हाई लेवल के ग्राफिक कार्ड है AMD के RX सीरीज वाले। तो हमारा पहला ग्राफिक कार्ड है यार वो है RX 5700 XT। ये 8GB वाला ग्राफिक कार्ड है। इसका भी मार्केट में प्राइस चल रहा है लगभग 92,000 रुपीस, एंड गाइस इसका ग्राफिक कार्ड का प्राइस सच में बहुत ज़्यादा कम हुआ है। जिसको ये वाला कार्ड चाहिए यार वो बहुत अच्छे से ले सकता है, सारी शॉप पे अवेलेबल होगा। अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने 3-4 शॉप्स के जो ट्रस्टेड शॉप्स हैं जहाँ से आप ऑर्डर भी करके अपने घर पे भी मंगा सकते हो सभी का नंबर नीचे दिया हुआ है, आप कहीं से भी किसी से भी ऑर्डर ले सकते हो। इसका लास्ट वीक तक प्राइस था लगभग 1,00,000 रुपये और अभी 92,000 रुपीस है। इसका जो नॉर्मल प्राइस है वो है सिर्फ 35,000 रुपीस। हाँ यार अभी भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लोगों के मन में यही क्वेश्चन है यार ये कम कब हुए हैं। लेकिन यार जितने आप पिछले 2 वीक की वीडियोज़ देख रहे होंगे ग्राफिक कार्ड के ऊपर उसके अकॉर्डिंग तो यार बहुत ज़्यादा कम हुए हैं। नेक्स्ट जो है हमारा ग्राफिक कार्ड है वो है RX 6700 XT। ये एक 12GB रैम वाला ग्राफिक कार्ड है। इसका भी मार्केट में प्राइस है 87,000 रुपीस और लास्ट वीक से यार मैं बिल्कुल जो लास्ट वीक से इसका प्राइस कम हुआ है वो है 13,000 रुपये।
मतलब 1,10,000 रुपए के, नहीं सॉरी 1,00,000 रुपए के आसपास ये गार्ड था लास्ट वीक की वीडियो में जिसने देखी होगी। और इसका जो नॉर्मल प्राइस है वो है सिर्फ 40,000 रुपए। तो यार काफी डबल के आसपास का डिफरेंस है, लेकिन यार हम फिर भी यार बहुत ही अच्छी बात है कि ग्राफिक कार्ड के प्राइसेस कम हो रहे हैं। नेक्स्ट जो है हमारा ग्राफिक कार्ड है RX सीरीज का, वो है RX 6800। ये एक 16GB का ग्राफिक कार्ड है, इसका भी मार्केट में प्राइस चल रहा है लगभग 1,00,000 रुपए। एंड गाइस इसका जो नॉर्मल प्राइस था वो था 45,000 रुपीज़, तो ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा इसका भी प्राइस है। नेक्स्ट जो है हमारा ग्राफिक कार्ड यार वो है RX 6800 XT। यार ये एक 16GB का ग्राफिक कार्ड है, XT वर्जन जो 6800 का XT वर्जन है, इसका भी मार्केट में प्राइस है लगभग 1,25,000 रुपीज़। एंड इस ग्राफिक कार्ड में भी यार ऑलमोस्ट 15,000 रुपये ऑफ हुए हैं लास्ट वीक से। लास्ट वीक इसी ग्राफिक कार्ड के प्राइस 1,40,000 रुपीज़ थे और अभी 1,25,000 रुपीज़ का ये मिल रहा है। इसका जो नॉर्मल एक्चुअल प्राइस था वो था 65,000 रुपीज़। एंड गाइस जो हमारा लास्ट ग्राफिक कार्ड है इस पूरी लिस्ट का RX सीरीज का 6900 XT, काफ़ी सारे लोगों ने यार मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था या फिर नीचे कमेंट में भी 2-3 लोगों के मैसेज आए थे मेरे पास कि यार हमें ये वाला 6900 XT का प्राइस बता दो। तो यार मैं ये इस वाली वीडियो में ऐड कर रहा हूँ। तो RX 6900 XT 16GB वाला यार ये कार्ड है, इसका भी मार्केट में प्राइस चल रहा है लगभग 1,69,000 रुपीज़। एंड इसका जो एक्चुअल प्राइस है नॉर्मल प्राइस था वो था 82,000 रुपीज़। तो यार काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, डबल से ज़्यादा इसमें भी डिफरेंस है। सबसे ज़्यादा हैवी कार्ड है RX 6900 XT 16GB वाला। तो गाइस ये थे वो सारे ग्राफिक कार्ड, ऑलमोस्ट 25 ग्राफिक कार्ड के प्राइस मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए है। RTX और RX सीरीज दोनों के GTX GT जो लो रेंज के कार्ड होते हैं वो भी मैंने कवर कर दिए हैं। सारे ग्राफिक कार्ड यार इस वीडियो में मैंने कवर कर दिए। तो इस वीक में यार ऑन अ फाइनल कंक्लूजन ग्राफिक कार्ड के प्राइस यार कम हुए हैं, लेकिन यार जितना मैंने आपको पिछली मैंने जिसने मेरी कल वाली वीडियो देखी होगी उनको ये पता होगा कि यार ग्राफिक कार्ड के प्राइस इंडिया में क्यों नहीं कम हो रहे। तो यार वो वीडियो जरूर देख लेना, आई बटन में उसका लिंक दे रखा है मैंने। तो यार जैसा कि ऑस्ट्रेलिया, US, यूरोप में यार जैसे प्राइस एकदम ऐसे फ्लैट नीचे गिरे थे, इंडिया में ऐसे नहीं हो रहा है। इंडिया में ऐसे आराम आराम से नीचे गिर रहा है, 1,000, 2,000, 3,000 रुपए बस ऐसे ही गिर रहा है। तो यार जल्दी से जल्दी यार प्राइसेस कम होंगे उतना यार जल्दी अच्छा हमारे लिए होने वाला है। हमारा PC बिल्ड यार बहुत टाइम से रुका हुआ है, मार्च से अप्रैल से काफ़ी लोग तो यार बहुत टाइम 4-5 महीने से वेट कर रहे हैं कि ग्राफिक कार्ड के प्राइस यार कब कम होंगे। तो यार लॉकडाउन के बाद से जितने भी लोगों ने यार PC बिल्ड करवाया तो यार उन्होंने बहुत महंगा PC बिल्ड करवाया, मतलब 1050 Ti के प्राइस में उन्हें 1650 मिल जाता सुपर, लेकिन अभी उन्होंने 1050 Ti में सेटिस्फाई होना पड़ रहा है। तो यार जितना जल्दी ग्राफिक कार्ड के प्राइसेस कम होंगे उतना जल्दी सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। डिस्ट्रीब्यूटर को यार अब फाइनल है यार ये कि समझ लेना चाहिए कि यार प्राइसेस अब कम कर देना चाहिए यार, कि पब्लिक अब परेशान हो चुकी है कि ग्राफिक कार्ड के प्राइस यार कब कम होंगे और हमें हमारा ड्रीम PC यार कब बिल्ड करने को मिलेगा और वो कब हमारा टाइम आने वाला है कि अब हम PC बिल्ड करने का करेक्ट टाइम होने वाला है। तो यार बस हम लेट्स सी कब तक देख सकते हैं कि यार ग्राफिक कार्ड के प्राइस कम होंगे। बस इस वीक यार काफ़ी ग्राफिक कार्ड के प्राइसेस कम हुए हैं, 1660 सुपर, 2060 और 3000 सीरीज के, तो काफ़ी अच्छे ग्राफिक कार्ड के प्राइसेस कम हुए हैं। RX सीरीज के भी यार 2-3 ग्राफिक कार्ड के प्राइसेस में 15-15, 20-20 हज़ार रुपये कम हुए हैं। गाइस ये बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है कि यार कुछ कुछ कार्डों में प्राइसेस कम हो रहे हैं। सो गाइस फिंगर्स क्रॉस कि यार ये अगस्त तक प्राइस कम होने वाले हैं, सितंबर तक बस अभी हमारे हाथ में है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर हम रुक गए एक महीना तो यार प्राइसेस जल्दी से कम हो जाएंगे, अगर हम वही उसी स्पीड में PC बिल्ड करते रहे तो डिस्ट्रीब्यूटर को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला कि यार उन्हें लगेगा कि यार स्पीड तो वही है PC बिल्ड करने की, हर रोज यार कस्टमर्स आ रहे हैं PC बिल्ड करने के लिए, तो यार हम क्यों ही प्राइस कम करें। तो यार बस ये हमारे हाथ में, तो यार लेट्स सी कि ग्राफिक कार्ड के प्राइस अगस्त में कम होते हैं, सितंबर में या ईयर के एंड तक। सो गाइस दैट इज इट फॉर टुडे इस वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कर देना एंड यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत टाइम लगता है यार इस वीडियो को बनाने में, यार कम से कम 2-3 दिन लग जाते हैं प्राइसेस कंफर्म करने में, क्योंकि यार कम से कम आपको भी पता होगा नेहरू प्लेस में कम से कम 15-20 शॉप है, सबके अलग अलग प्राइस चल रहे हैं। भगवान ही जाने यार सबके अलग अलग इतने प्राइसेस क्यों हैं यार, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर तो एक ही है लेकिन यार सबके इतने अलग अलग प्राइस है, तो आपको पता ही होगा कि क्यों सबके अलग अलग इतने प्राइसेस हैं। तो सबको पता है यार प्रॉफिट इस समय सबसे ज़्यादा हुआ पड़ा डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स का। तो गाइस इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। कल यार प्रोसेसर की वीडियो आने वाली है, तो जो लोग प्रोसेसर के प्राइसेस जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो प्रोसेसर की वीडियो कल आने वाली है, जिसमें मैं आपको सारे इंटेल और AMD के सारे प्रोसेसर बताने वाला हूँ। तो गाइस बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना एंड गाइस इस वीडियो को शेयर कर देना जिन लोगों को भी यार PC बिल्ड करना है, जिससे उनको एक आइडिया हो जाए और एक रफ एस्टिमेट हो जाए कि उनको कितना वेट करना है अपने एक आइडियल PC बिल्ड के लिए। एंड गाइस एक और इंपॉर्टेंट मैसेज, जिन लोगों ने मेरी लास्ट कल वाली वीडियो नहीं देखी वो आई बटन में यार मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ कि यार देख लेना जाके, क्योंकि यार वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। उनसे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि यार कब हमारे ग्राफिक कार्ड के प्राइसेस कम होने वाले हैं इंडिया में। तो यार वो वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना, मस्ट वॉच वीडियो होने वाली है। सो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे कल की प्रोसेसर वाली वीडियो में। टिल देन पीस आउट।